सो गाइस, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका सेकेंड ओडीआई मैच यहां पे कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको बताने वाला हूं कि सेकेंड ओडीआई मैच कौन सी टीम जीती है, कौन से प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, सभी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं टॉस के बारे में। तो गाइस ये मैच का टॉस भी यहाँ पे टीम इंग्लैंड जीत चुकी थी। यहाँ पे इंग्लैंड ने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया था, यानी कि यहाँ पे श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करना था। तो गाइस यहाँ पे श्रीलंका के ओपनर प्रथम निशंका एंड कुशल परेडा ओपनिंग करने आ गए, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा ओपनिंग तो यहाँ पे देखने को नहीं मिला, बिकॉज यहाँ पे सैम करन ने जो स्टार्टिंग के बल्लेबाज है श्रीलंका के, सबको बहुत ही जल्दी आउट कर दिया। यहाँ पे ड्रेसिंग रूम में सभी को भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रथम निशंका 5 रन पे आउट हो गए, कुशल परेडा 0 रन पे आउट हो गए, अविष्का फर्नांडो 2 रन पे आउट हो गए, फिर दोस्तों यहाँ पे असलंका 3 रन पे आउट हो गए, लेकिन यहाँ पे धनंजय दे सिल्वा एंड हसरंगा ने श्रीलंका की पारी संभाली। जहाँ पे जिस हिसाब से लग रहा था कि यहाँ पे श्रीलंका की टीम 100 रन के अंदर ऑल आउट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे श्रीलंका की इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रही है, बैक टू बैक हार रही है टीम, तो यहाँ पे प्रेशर तो बना था, लेकिन यहाँ पे धनंजय दे सिल्वा ने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखाया यहाँ पे उनको 100 रन तो पक्का डिजर्व थे, शतक लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक गलती शॉट के कारण यहाँ पे 91 रन पे धनंजय सिल्वा का यहाँ पे बहुत ही शानदार पारी समाप्त हो गई। फिर दोस्तों यहाँ पे हसरंगा 26 रन पे आउट हो गए, सनाका 47 रन पे आउट हो गए, करुणांतरण 21 रन की पारी खेली, फर्नांडो 17 रन पे आउट हो गए, चमीरा शानदार 14 रन की पारी खेली। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इंग्लैंड के बॉलर्स की। तो गाइस यहाँ पे इंग्लैंड के बॉलर्स में सिर्फ 2 ही बॉलर्स ने अच्छी मतलब कि गेंदबाजी की, वो है डेविड विली एंड सैम करन। इन्होंने सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। डेविड विली ने 10 ओवर में 64 रन देके 4 विकेट चटकाया एंड सैम करन ने 10 ओवर में 48 रन देके 5 विकेट चटकाया। फिफर यहाँ पे सैम करन को पहला यहाँ पे ओडीआई इंटरनेशनल में मिल चुका है। टॉम करन ने 10 ओवर में 43 रन दिए, मार्क वुड को 35 रन मिला एंड आदिल रशीद ने 10 ओवर में 50 रन दिए। अब दोस्तों बात करते हैं स्कोर की। तो गाइस यहाँ पे श्रीलंका ने 50 ओवर में 241 रन जड़ दिए 9 विकेटों के नुकसान पे, जिस हिसाब से लगता है यहाँ पे 100 रन 150 रन पे श्रीलंका की टीम निपट जाएगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सा धनंजय दे सिल्वा के पारी के बदौलत यहाँ पे श्रीलंका का स्कोर था 241 रन 9 विकेटों के नुकसान पे, यानी कि 242 रन यहाँ पे अब इंग्लैंड को चाहिए था। अब दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड के जो ओपनर्स थे जेसन रॉय एंड जोनी बेस्टो यहाँ पे बैटिंग करने आ गए एंड बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप यहाँ पे देखने को मिला एंड जब 76 रन पे टीम इंग्लैंड का स्कोर हो चुका था तो गाइस यहाँ पे जोनी बेस्टो का विकेट चला गया था, 29 रन पे जोनी बेस्टो आउट हो गए। फिर यहाँ पे जेसन रॉय ने शानदार 68 के पारी खेले के आने, लेकिन यहाँ पे जेसन रॉय भी 60 रन पे आउट हो गए। फिर दोस्तों यहाँ पे जो रूट एंड इवन मॉर्गन ने शानदार शतकीय साझेदारी निभाई एंड इसी के साथ दोनों ही ने हाफ सेंचुरी जड़ दिया एंड इसी साझेदारी के कारण यहाँ पे जो सेकेंड ओडीआई मैच है वो यहाँ पे आराम से टीम इंग्लैंड जीत चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड ओडीआई मैच है वो यहाँ पे टीम इंग्लैंड जीत चुकी है। तो गाइस यहाँ पे इसी के साथ जो सीरीज है ओडीआई सीरीज, इसी के साथ टीम इंग्लैंड की टीम जीत चुकी है एंड इसी के साथ एक अगेन श्रीलंका की टीम एक और सीरीज हार चुकी है। यहाँ पे श्रीलंका के फैंस के लिए बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रह रहा है, बिकॉज यहाँ पे श्रीलंका की टीम अभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है, उस पर तो हम कभी और डिस्कशन करेंगे। तो गाइस यहाँ पे थर्ड ओडीआई मैच अभी कुछ ही दिन बाद होने वाला है, तो क्या थर्ड ओडीआई मैच में श्रीलंका की टीम वापसी करेगी नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस वीडियो में इतना ही, आपको थोड़ी पसंद है जो लाइक कर दीजिए, शेयर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जोड़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आते रहे। सो गाइस उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।